नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं द भारत खबर। हर दिल्ली वासी का ये सपना है कि यमुना नदी को साफ सुथरा बनाया जाए, लेकिन चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी की सरकार हो या फिर 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, यमुना नदी की हालत में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। सरकार के लाख दावों और कोशिशों के बाद भी दिल्ली में यमुना नदी साफ नहीं हो सकी है। प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में जहरीले झाग की मोटी परत तैरने के ताज़ा वीडियोस सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। सरकार यमुना को स्वच्छ बनाने के दावे लगातार करती रही है, लेकिन यमुना में कई जगह पानी में जहरीले झाग देखे जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में पर्यावरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत राजधानी में हरियाली की गुणवत्ता में सुधार के साथ यमुना नदी के प्रदूषण और पानी की बुनियादी ज़रूरतों पर भी जोर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल ट्रैक की भी ज़रूरत बताई गई है। मास्टर प्लान के मुताबिक दिल्ली को हरा भरा शहर बताया गया है, लेकिन यहाँ हरियाली का वितरण असमान है। दिल्ली के कई स्थानों पर हरियाली की गुणवत्ता में भी सुधार की ज़रूरत बताई गई है। भूगोलिक और मानवीय कारणों की वजह से दिल्ली वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित है। इससे स्थानीय जैव विविधता के साथ साथ इंसानों को भी खतरा है। DDA ने मास्टर प्लान में दिल्ली में पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पानी के पुनः उपयोग पर जोर दिया है। मास्टर प्लान में कहा गया है कि पुनः उपयोग की कार्यनीति की कमी के कारण पानी बर्बाद होता है, इसे दिन प्रतिदिन की बुनियादी ज़रूरतों पर भी प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि प्रति व्यक्ति पेयजल को 60 गैलन से कम कर 50 गैलन करने का प्रस्ताव दिया गया है और इसकी कमी को ट्रीट किए गए पानी से पूरा करने का विचार है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।